नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना व्रत निष्फल हो जाएगा और आपको उसका अशुभ फल झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहन व सोलह श्रृंगार कर अपने पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती हैं। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि दो दिन की चंद्रोदय व्यापनी हो या दोनों ही दिन ना हो तो मात्र वृद्धा प्रशस्यते के अनुसार पूर्व वृद्धा लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो किसी भी व्रत के कुछ आधारभूत नियम होते हैं, जैसे कि क्रोध ना करना, किसी की बुराई ना करना, मुख से अपशब्द ना निकालना आदि। ठीक इसी तरह करवा चौथ के व्रत के दिन भी यह नियम लागू होता है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। कहते हैं कि अगर इस दिन क्रोध किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, व्रत की शुरुआत सरगी खाकर करें। सरगी सूर्योदय से पहले खानी चाहिए। जिस वक्त आप सरगी खाएं उस वक्त दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भेंटें। करवा चौथ पर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि अन्न जल के अलावा पानी पीने की भी मनाही होती है। सुहागिन महिलाएं चांद को अधरे देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां तारों के दर्शन करने के बाद पानी पी सकती हैं। वैसे तो गर्भवती और बीमार महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन कई गर्भवती महिलाएं फल और पानी पीकर भी यह व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं। इस दिन सुहाग के रंग जैसे कि लाल, पीले और हरे रंग की साड़ी, सलवार सूट और लहंगे का सर्वाधिक चलन है। इस दिन काले और सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन चांद को अर्घ्य देना बेहद जरूरी और शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं सबसे पहले छलनी पर दीपक रखती हैं। इसके बाद छलनी से पहले चांद को और फिर पति को देखती हैं। इसके बाद चांद को अर्घ्य दिया जाता है। आखिर में महिलाएं पति के हाथ से पानी पीकर और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और फिर पति के साथ बैठकर भोजन करें। साथ ही यह पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ करवा चौथ के दिन ही नहीं बल्कि हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि उनका रिश्ता हमेशा प्यार की डोर से बंधा रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको करवा चौथ में बारे में बताई है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।